अब देखो ए प्लस बी पूरे के बारे में डैश है, मीन्स ए का भी डैश प्लस बी का भी डैश करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो ए बी इंटू बी का डैश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा, ठीक। अब देखो चौथा वाला है ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, मान लो ए तो दिया रहेगा, एडजॉइंट ए ये होगा एडजॉइंट ए की अगर मान लो कुछ भी दिया है, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ठीक है, ये ए इक्वल टू दिया है, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग को एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या होगा पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा, मीन्स यहाँ पे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री हो जाएगा, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री हो जाएगा, ठीक है, ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री हो जाएगा, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। मीन्स ये ए दिया है, कुछ भी मान दिया रहेगा तो इसको हम लोग को ऐसा चेंज करना क्या कहलाता है, एडजॉइंट ए कहलाता है। इसका और एक ठो रूल है, जब क्वेश्चन करेंगे तो एडजॉइंट ए निकालने का मैं बताऊंगा, मीन्स अगर ऑड आता है तो उसके लिए क्या होता है, चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाता है, जबकि इवन आता है तो चिन्ह वही रहता है, ये वाला जब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे तब मैं बताऊंगा, तब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए मीन्स कुछ भी दिया हो हम लोग को उसका विस्तार कर देना है। मान लो दिया है ये दिया है वन टू थ्री फोर, ठीक है, अगर इसका मॉड ऑफ ए निकालिए तो ए दिया है, ठीक है, ए इक्वल टू है, अगर इसका हम लोग मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऐसा चिन्ह आ जाएगा वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब इसको हम लोग को डायरेक्ट विस्तार कर देना है, विस्तार करना मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे, ठीक। तो एक गुणित चार ऋण तीन गुणित दो बराबर चार ऋण छः बराबर क्या आया, ऋण दो आया, मीन्स इस जो मॉड ऑफ ए का मान क्या आया, ऋण दो आया, ठीक, समझ आया कि नहीं मॉड ऑफ ए क्या होता है। अब देखो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, ए ऐसा दिया है, एडजॉइंट ए निकालना, ये ऐसे ऐसे सीक्वेंस में हो जाते हैं तो ये एडजॉइंट ए हो गया। अब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए मीन्स विस्तार करना, ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब यू बहुत इजी चैप्टर है इसलिए इसको पहले कर रहे हैं, फिर बाद में इसके बाद क्या देखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति देखेंगे, ठीक है, समझ आया। तो चलो प्रश्नावली 3.1 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, उसमें वो एक अभ्यू दिया है वन टू थ्री फोर और 2012 3105, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा है, क्या क्या पूछा है, कितनी पंक्तियां हैं, चलो बताओ कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां टोटल कितनी है, एक दो तीन, टोटल पंक्तियां कितने हैं तीन, ठीक। स्तंभ कितना है पूछा है, तो स्तंभ इसमें कितना है, एक दो तीन चार, स्तंभ है चार, ठीक। ये जो ऐसे जो दिख रहे हैं वो सब क्या है, पंक्ति है, और ऐसे जो दिख रहे हैं वो क्या है, स्तंभ है। तो पंक्ति कितना ठो है, ये एक ये दो ये एक तीन, ठीक है, स्तंभ जबकि एक दो तीन चार, ठीक है, समझ आया कि नहीं, पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, ठीक है, चलो बताओ कितने अवयव हैं पंक्ति में, एक दो तीन चार, हर एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, चार चार अवयव हैं, ठीक है। और पूछा है स्तंभ में कितने अवयव हैं, ठीक है, तो स्तंभ में कितने अवयव हैं बताओ, एक दो तीन, हर एक स्तंभ में कितने अवयव हैं, तीन अवयव हैं, ठीक। अब पूछ रहा है कि कुल कितने अवयव हैं, ठीक है, तो कुल कितने अवयव हैं, ये तीन है और ये चार है, मीन्स हमेशा जो होता है
वो 3 × 4 मीन्स 12 अवयव है टोटल, और इसका जो मल्टीप्लाई होता है इस चीज को हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा रो इनटू कॉलम होता है, ठीक है। मीन्स पंक्ति और स्तंभ का जो है हमेशा मल्टीप्लाई होता है इसमें, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई अलग अलग स्तंभ या फिर अलग अलग पंक्ति दे दिया है अब व्यू हमें, तो हम लोग का मल्टीप्लाई जो होता है वो रो इनटू कॉलम होता है, ठीक है। ये चीज़ बाद में क्वेश्चन करेंगे तो समझ आते जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया है कि 1, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 5, 0, 9, 8 ये एक, अब ये एक मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। ये अगर हम लोग इसमें पंक्ति स्तंभ की बात करें, ठीक है, तो पंक्ति स्तंभ क्या है यहाँ पे 3 × 3 और यहाँ पे क्या होगा 2 × 3, इसको मैं कैसे लिखा जी, ठीक है। तो मैं बता हूँ कि जो भी पंक्ति है हम लोग को उसका क्या है रो इंटू कॉलम हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसमें कितना टो पंक्ति है देखो, 1, 2, 3 पंक्ति, ठीक। स्तंभ कितना है 1, 2, 3, तो 3 × 3, ठीक है। इसका पंक्ति और स्तंभ का जो रेशियो वो है मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये 3 × 3 में है, ठीक है। हमेशा ये रो है, ये कॉलम है, मीन्स एक पंक्ति है और स्तंभ है, हमेशा मल्टीप्लाई क्या होता है पंक्ति इंटू स्तंभ होता है, ठीक। अब देखो इसमें कितना टो है 1 और 2 टो है, ठीक। ये क्या है पंक्ति है, तो 2 और स्तंभ कितना टो 1, 2, 3, स्तंभ कितना टो है 3 टो है, तो ये क्या हो गया 2 × 3 हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। समझ आया कि नहीं, ये कितना में है 3 × 3 में है जबकि ये 2 × 3 में है, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या निम्न का योग का कोई अर्थ है, ठीक है। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही कंडीशन में है कि 2 अवयवों के योग के लिए क्या होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ समान होने चाहिए तभी उसका योग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्यों, देखो यहाँ पे 3 × 3 में है जबकि यहाँ पे क्या है 2 × 3 में है, तो हम लोग इसका योग नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं। लेकिन अगर इसी का अगर मल्टीप्लाई बोलता, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि 3 × 3 और 2 × 3, ठीक है, इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई होता है, जबकि हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या होगा 3 × 3 में आएगा। मल्टीप्लाई किस में होगा 3 × 2 में होगा, ठीक है, लेकिन आंसर जो आएगा वो 3 × 3 का आएगा, ठीक है। ये तो है, बाद में सीखेंगे इसको, ठीक है, मैं ऐसे ही जनरली बता दे रहा था, ठीक। जैसे ही हम लोग का प्रश्नावली बढ़ते जाएगा वैसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएगा और हम लोग सब चीज सीखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो छठवां का दूसरा क्वेश्चन लिया होगा, ठीक है। छठवां का दूसरा क्वेश्चन ए इक्वल टू क्या है 01 और 01 दे दिया है, 1001 दिया है, और बी इक्वल टू क्या दिया है 0 − 1 और −1 0 दिया है। तो हम लोग को यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोल रहा है 2a + 3b ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो चलो हल करो इसको, पहले तो निकालो 2a, 2a मींस क्या करना है a के साथ 2 का पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले देखो 2a इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1001, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अंदर में हो जाएगा, तो 2 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, 0 और 2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 3b बोल रहे हैं, ठीक है, तो b के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का, 0 − 1 − 1 0, तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 − 3 − 3 और 0। अब हम लोग का 2a + 2a और 3b आ गया, अब हम लोग इसका सिंपली प्लस कर देते हैं, ठीक। तो 2a + 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2002 + 0 − 3 − 3 0, ठीक है। अब देखो इसमें तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि हम लोग का पंक्ति और स्तंभ समान होना चाहिए तभी हम लोग जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार चेक करो पंक्ति और स्तंभ समान है क्या, ये देखो यहाँ पे पंक्ति जो है 2 × 2 में है
और यहाँ क्या है, यहाँ भी 2x2 में है, मीन्स 2x2 मीन्स क्या है, पंक्ति जो है दो है और स्तंभ भी कितना है दो है, यहाँ पे पंक्ति कितना है एक और दो है, स्तंभ कितना है 1 और 2 है, ठीक है, मीन्स हम लोग इसका सिंपली एडिशन कर सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें जोड़ते कैसे हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मीन्स समान जो है अवयव के साथ समान जुड़ता है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2+0 और 0-3, 0-3 और 2+0, मीन्स इसके साथ ये जुड़ गया 2+0, इसके साथ ये 0-3, इसके साथ क्या हो जाएगा 0-3 और 2+0, तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या होगा 2-3-3, 2। ठीक, समझ आया ना, ये बहुत इजी है। ठीक है, हम लोग सिंपली ऐड कर दिए, हम लोग का जो आंसर है वो आ गया 2a+3 भी इक्वल टू क्या आया 2-3-3, 2। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जिसको बोलते हैं मैट्रिसेस, इसको क्या बोलते हैं अवयव, हिंदी में क्या बोलते हैं अवयव। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक, सबसे पहले मैट्रिसेस का जो फॉर्म होता है उसको, मैट्रिक्स को हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग मैट्रिक्स अवयव को हमेशा ऐसे बॉक्स में लिखते हैं, अगर ऐसा बॉक्स नहीं है अवयव तो वो अवयव नहीं है। लोग क्या है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे बॉक्स लगा देते हैं और इसमें अवयव सॉल्व कर देते हैं, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा बॉक्स आया मीन्स बिग ब्रैकेट अगर आया तो वहाँ पे अवयव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला अवयव ये जो है डिटर्मिनेंट का है, ठीक है, अवयव का नहीं है। ठीक, तो अब देखो हम लोग जानते हैं चर राशि का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax+by+cz=n, ये ऐसे ही बढ़ते जाता है, d1 ऐसे कुछ कुछ आप जैसे भी चाहो लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है, यदि रैखिक फलन इसमें m है, ठीक है, और जो चर है y1 y2 y3 yn तक है, तो इसको हम लोग निम्न रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a11x1+a12x2+a13x3 अब टू क्या है a1n x1 xn इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही a21x1+a22x2+a23x3 अब टू a2n xn इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है m1 तक, क्योंकि m1 के लिए मैं किया हूँ, m के लिए किया हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा am1x1+am2x2+am3x3 अब टू क्या है amn xn इक्वल टू क्या हो जाएगा ym। ठीक है, तो इस जटिल समीकरण को हम लोग को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करेंगे, हम लोग इन सबको अलग अलग कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है बहुत डिफिकल्ट होता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगर हम लोग इसको अलग अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे, a11 a12 a3 जितना अचर राशि को एक साथ ले लेंगे और चर राशि को एक साथ ले लेंगे। ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा am1 n1 m2 कहाँ तक हो जाएगा amn। ठीक है, इसी चीज को लिखा हूँ, बस अलग अलग कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 यहाँ पे आ जाएगा, अब इक्वल टू में क्या आएगा कि y1 y2 अब टू क्या हो जाएगा yn तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जानने वाली बात यह है कि पंक्ति और स्तंभ किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये जो है ये सब क्या कहलाएंगे, पंक्ति कहलाएंगे, ये जो है ये पंक्ति है और स्तंभ क्या है ऐसे। ठीक है, इसको ये सब क्या है स्तंभ, मीन्स ऐसे लाइन में जो भी दिखेंगे वो सब क्या के अंदर आएंगे, पंक्ति के अंदर आएंगे, और ऐसे लाइन में जो भी दिखेंगे वो क्या के अंदर में आएंगे, स्तंभ के अंदर में आएंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं, मान लो ये जैसे दिया है कैसे भी, ये सब क्या कहलाएंगे 1 2 3 4 ये क्या कहलाएंगे, पंक्ति कहलाएंगे, और ये सब क्या कहलाएंगे, स्तंभ कहलाएंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं, मीन्स ये जो है पंक्ति है, ऐसे सीक्वेंस में जो भी रहा वो पंक्ति है और ऐसे जो भी रहा वो क्या है स्तंभ है। ठीक,
समझ आया। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। दो अवयवों का योग के लिए क्या है, पंक्ति और स्तंभ समान होने चाहिए। अगर कोई से भी दो अवयव है ठीक है, उसका गुणा आएगा, हम लोग को भागित आएगा, धन आएगा, ऋण आएगा ठीक है। तो धन या फिर ऋण करने के लिए योग, या फिर क्या करने के लिए, उसको घटाने के लिए करने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, दोनों का पंक्ति और स्तंभ समान होने चाहिए, तभी हम लोग उसको घटा सकते हैं या फिर तो जोड़ सकते हैं। अगर पंक्ति और स्तंभ समान नहीं है ठीक है, दोनों अवयवों का, तो वो नहीं होगा ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, यदि ए इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 है ठीक है, तो बी इक्वल टू भी 4 5 1 6 ऐसे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो ये पंक्ति कितना ठो है, एक और दो पंक्ति है, यहाँ पे क्या है, एक और दो पंक्ति है। अब स्तंभ इसमें कितना है, एक ठो है, दो ठो है, इसमें कितना है, एक ठो दो ठो है ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पंक्ति और स्तंभ समान है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ या घटा सकते हैं ठीक है। तो ये कंडीशन जरूरी है ठीक। अब देखो गुणन दूसरा जो है, गुणनफल ठीक है, गुणनफल हम लोग कैसे भी कर सकते हैं ठीक है। अगर पंक्ति और स्तंभ समान नहीं है फिर भी से कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू जो है, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होना चाहिए ठीक है। मीन्स मान लो कोई से भी ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, दो अवयव दिए हैं ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ठीक है, चाहे वो सेम टर्म क्यों ना हो ठीक है। अब देखो थर्ड में है, ए डेज का पूरा का डेज इक्वल टू ए, वो तो बात ही है ठीक है। अगर ए का डेस, डेस मीन्स क्या निकालेंगे, इसका विपरीत ठीक है। ए में मान लो कुछ भी दे दिया है ठीक है, उसका विपरीत निकालेंगे तो जो है क्या होगा, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा और स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगा। फिर उसका अगर फिर डेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वही आएगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है। मान लो ए दिया है, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 4। अब इसका अगर ए डेस निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो पंक्ति है वो स्तंभ में आ जाएगा और स्तंभ में जो है वो पंक्ति में चला जाएगा। कैसे जाएगा देखो, वन और पंक्ति क्या आ जाएगा, स्तंभ में आ जाएगा, वन और टू हो जाएगा और स्तंभ पंक्ति में चला जाता है, मीन्स 3 और 4 हो गया ठीक। समझ आया कि नहीं, कैसे किया, ए डेस निकालने के लिए ये पंक्ति जो है स्तंभ में बदल जाता है और स्तंभ जो है पंक्ति में बदल जाता है ठीक। अब इसका फिर से अगर मैं डेस निकालूं, डेस ठीक है, ये तो ए डेस आ गया। अब ए डेस का फिर से डेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ में, मीन्स 1 3 2 4 ठीक है, वही चीज आया ठीक। मीन्स अगर ए का डेस निकाले फिर इसका डेस निकालेंगे ठीक है, तो डेस निकालना मीन्स क्या है, पंक्ति को स्तंभ में बदलना और स्तंभ को पंक्ति में निकाल बदलना ठीक। समझ आया कि नहीं, जैसे कि अगर